आपका नाम क्या और शॉप का एड्रेस बताइए। नाम है भूषण, शॉप का एड्रेस है शॉप नंबर 6 नीलकंठ प्लाजा प्लॉट 53 सेक्टर 40 अपोजिट डी मार्ट। अभी शॉप है कब से? 21 ईयर। आपकी खुद की शॉप है? मोबाइल शॉप की वजह से। ये शॉप के बारे में आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, आप क्या क्या बेचते हो, क्या क्या सर्विसेज देते हैं? मोबाइल बेच रहे हैं, कवर्स, एक्सेसरीज, मोबाइल का पूरा एक्सेसरीज, मोबाइल रिपेयरिंग। 21 साल से मोबाइल फोन का ही है ना ये शॉप? पहले रिचार्ज वगैरह था, एडवांस आते गया, तो फिर 21 साल पहले पूछना चाहूंगा आपने खोला था, क्या सोच के मतलब मोबाइल शॉप ही खोला था? तब के टाइम रिचार्ज होता था, तभी तो होता था, तभी होता था, भूल गया, तभी इधर आके सब स्मार्टफोन कब से स्टार्ट किए होंगे? इसमें मार्जिन का कैसा है कि आप मार्जिन मिलता है आपको जब आपका सेल ज्यादा रहता है, उसके मतलब टारगेट पूरा करना है तो उसके ऊपर थोड़ा 2% ज्यादा आया, या फिर बड़े बड़े मॉडल्स है सैमसंग के वगैरह तो उसमें मार्जिन ज्यादा रहता है, स्कीम रहता है एक्टिवेशन का, आज बेचे तो 2000 एक्स्ट्रा आएगा। एक बार में आप बता सकते हो तो कितने का माल रखते हो? बता सकते हो? 10-15 लाख। एक मेरा तो मिनिमम है, मेरा छोटा काम है इसके लिए, तो बाकी शॉप्स में एक एक दो दो करोड़ का भी माल रखते हैं, रखना पड़ता है बहुत सारे। बोल सकते हैं कम ज़्यादा कुछ भी आते हैं, लेकिन एवरेज एटलीस्ट दिन में 5 या 10। हाँ, एक्सेसरीज का है तो छोटा मोटा आते रहता है, कवर आया, स्क्रीन गार्ड आया, कुछ रिपेयरिंग के लिए आया। बहुत कम है, ज़्यादा ऑनलाइन नहीं है क्या? सब जगह रेट एक ही मिलता है, घर में बैठे बैठे वही रेट में आ रहा है, हिसाब देखा नहीं। एक वो 4 स्टाफ 3 स्टाफ नहीं छोटा आप बोल रहे हो। एवरेज आप स्टाफ सैलरी बता सकते हैं रेंज में? 18-20 का रेंज है। बेस्ट सेलिंग मतलब क्या होगा फोन के अलावा, सबसे ज़्यादा लोग क्या कहते हैं? एक्सेसरीज के लिए ज़्यादा कस्टमर आते हैं। कॉम्पिटिशन के हिसाब से आपको कुछ चेंज हुआ? 21 साल में तो पहले उतने कम होंगे नहीं इस लाइन में। बहुत फर्क पड़ता है, पहले शॉप में यहाँ से डी मार्ट तक 8 शॉप थे मोबाइल के, एक टाइम लगा एक से ज़्यादा थे। हाँ, क्यों? अभी 2 ही हो जाएंगे, बंद क्यों? मॉल आ गए तो मॉल में चले गए। कौन है स्टार्टिंग से आपने खरीद लिए थे या फिर अभी इसका रेंट मिनिमम 50 लाख तो होगा एक महीने का गलत होगी तो मतलब आपने ज़्यादा रहेगा। आपको एक बात बताता हूँ, एक ट्रायंगल रहता है तो ट्रायंगल ऐसा है ना कि 3 चीज़ें उसमें, ट्रायंगल का 3 कॉर्नर्स है, एक है प्रॉपर्टी मार्केट, एक है शेयर मार्केट, एक है गोल्ड मार्केट। इसके अंदर का 2 अप रहता है, 1 डाउन रहता है। एक हमेशा गोल्ड और शेयर मार्केट अभी अप है और प्रॉपर्टी मार्केट नीचे है। ट्रायंगल घूमेगा, गोल्ड तो सेम रहेगा, बढ़ेगा नहीं, प्रॉपर्टी बढ़ेगा, ये ऊपर जाएगा, ये होता ही रहता है। शेयर मार्केट गिरेगा तो ये दोनों अप रहेगा। आप शॉप का टाइमिंग बता सकते हैं कब से कब तक रहता है? 10 से 7 दुकान को कोई लाइसेंस लेना पड़ता है क्या टाइम के लिए? टाइम के लिए नहीं रहता है, रूल्स रहते हैं गवर्नमेंट के बहुत सारे। जैसे कि 11 का टाइमिंग है एक्चुअली गवर्नमेंट का, 11 PM पर आप कुछ भी दुकान जाते हो खाने का जो चालू रहता है वो कुछ एक्स्ट्रा आइडिया नहीं मुझे शॉप खाने की शॉप के लिए कुछ अलग से रहे ऐसा आइडिया नहीं रहेगा सर। आप जब एक शॉप खोलते तब क्या क्या लीगल फॉर्मेलिटीज रहती है कुछ बता सकते हैं? गुमास्ता लाइसेंस लगता है, गुमास्ता लाइसेंस पहले लगता था। कौन सा लाइसेंस? गुमास्ता करके था पहला गवर्नमेंट का, अभी वो लोग ने बंद किया हो, अभी उद्यम आधार करके है, उद्यम आधार का जरूरी कंपलसरी है उद्यम आधार। ये शॉप का करंट टाइम में वैल्यू बता सकते हैं ये प्रॉपर्टी का? 1 CR रहेगा।